देखो, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव का एक्सरसाइज चालू किया था 1.1। आपको लोगों को कुछ एक दो क्वेश्चन भी दिया था मैं होमवर्क करने के लिए। आप लोगों ने ट्राई किया तो आप लोगों ने भेजा नहीं, भेजते तो मुझे भी पता चलता कि करेक्ट है कि नहीं। आप लोग एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं खुद से भी ट्राई किया करो। आप वेट करते हो कि मैं जब तक वीडियो भेजूंगा नहीं तब तक आप आगे ट्राई नहीं करोगे, इसलिए आप लोग भी उसके आगे क्वेश्चन ट्राई किया करो, देखा करो। अगर आपको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करें हम आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू साइन 5 to the power sin x³+3। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन भी किए हुए हैं। पहले हम कैसे पकड़ेंगे, ये सोच के चलना ए टू द पावर एक्स है। अब ए टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ए यही होता है। तो इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, dy by dx इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, d/dx ऑफ 5 टू द पावर sin क्यूब एक्स प्लस 3। लिया मैंने। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये सोच के चलो ये पूरा x है तो 5 टू द पावर x का क्या होगा, 5 टू द पावर x log 5। तो पहले क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर sin क्यूब एक्स प्लस 3 log इंटू log 5 और फिर d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, sin क्यूब एक्स प्लस 3 यही आएगा। अब हम क्या करेंगे देखो आगे, अब ये बन जाएगा आपका, थोड़ा मैं इधर साइड में लिखता हूं, ये हो जाएगा 5 sin³x + 3। इसका आएगा log 5 और इसका क्या आएगा बताओ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो क्या आएगा, d/dx ऑफ sin³x + d/dx ऑफ क्या आएगा 3 आया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे करेंगे 5 sin³x + 3 इंटू log 5 इंटू इसका क्या आएगा, ये सोच के चलो x का क्यूब है तो x का क्यूब क्या आएगा, 3x² तो क्या आएगा, 3 sin³ - 1 x और d/dx अब क्या लिखेंगे, sin x और उसका तो 0 ही हो जाएगा, उसका हो जाएगा 0। अब हम आगे क्या करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू में क्या आएगा, आगे ये आ गया आपका 5 sin³x + 3 तो हम क्या लिखेंगे, 5 sin³x + 3 इंटू log 5 इंटू में क्या आएगा, देखो इसके बाद ये टर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 3 sin² x इंटू cos x, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो नोट करो इसको, आप लोग पहले फटाफट नोट करो। चलो आज का सेकंड क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू कोसेक रूट में कॉस एक्स। आपको तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, कैसे करेंगे वैसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो कैसे आएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ क्या आएगा, कोसेक रूट में कॉस एक्स, सही बात है कि नहीं। अब क्या बोलता हूं मुझे, ये कोसेक का क्या आएगा, इसका आएगा कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, पहले यही होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है अपना फॉर्मूला कहता है कोसेक का, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स यही कहता है ना, बाद में डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकालेंगे। बोले तो d/dx ऑफ किसका निकलेगा, रूट में कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब बताओ मुझे इसका क्या आएगा, ये होगा आपका माइनस कोसेक रूट में कॉट कॉस एक्स, बाद में कॉट रूट में कॉस एक्स ये आ गया। उसके बाद इसका क्या होता है, इसका आएगा 1/2 रूट में क्या आएगा, कॉस एक्स। क्यों आएगा भाई ऐसा, क्योंकि रूट एक्स पकड़ेंगे ना, तो रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स है, ये क्या होगा 1/2 रूट एक्स। और फिर क्या करेंगे, d/dx ऑफ किसका निकालेंगे, कॉस एक्स का, समझेगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, हमारा फाइनल आंसर रहेगा माइनस कोसेक रूट में कॉस एक्स इंटू कॉट रूट में कॉस एक्स इंटू
कोसेक का क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, सो माइनस साइन एक्स अपॉन क्या आएगा टू रूट में कॉस एक्स, और दिस विल बिकम फाइनल आंसर। तो चलो बिना देखे एक बार खुद से ट्राई करो। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है, वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस फाइव दिया हुआ है, ठीक है। आगे तो खुद से सॉल्व करोगे, कैसे करोगे देखो, लॉग ऑफ एक्स पकड़ के चलोगे इसको, तो लॉग ऑफ एक्स क्या आएगा, वन अपॉन पूरा टर्म आएगा, पहले आएगा क्या, एक बार वन अपॉन पूरा टर्म आ गया तो फिर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉस एक्स क्यूब माइनस फाइव, और फिर अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर पाएंगे आप लोग। चलो आपको खुद से ट्राई करो इसको। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, चौथे नंबर का प्रॉब्लम है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एका और समथिंग, अब आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, ये तो बेसिक है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा छोटा लिखता हूं, ज्यादा ज्यादा रखता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, dy / dx equals to dy dx of क्या आएगा, e का पावर 3 sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसका क्या आने वाला है, ऑब्वियसली e का पावर जो भी रहेगा पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे कोई से लिखेंगे e का पावर 3 sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x आया, फिर क्या करेंगे dy dx of क्या आएगा, dy dx of 3 sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x, यही आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, e का पावर 3 sin स्क्वायर x - 2 cos स्क्वायर x, इसका बताओ मुझे क्या आएगा, पहले डिफरेंशिएशन इसको भी दो, फिर डिफरेंशिएशन इसको भी दो, सो d / dx ऑफ क्या आएगा, 3 को बाहर निकाल दिया मैंने, ब्रैकेट बना के थोड़ा सा, 3 sin स्क्वायर x - 2 d / dx ऑफ क्या आएगा cos स्क्वायर x। अभी याद कर लेना, बार 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 सॉल्व करने के पीछे मत दौड़ना, एक बार ध्यान रखना तो बार बार आपको काम आएगा। सो e का पावर क्या होगा, 3 sin स्क्वायर x माइनस माइनस 2 cos स्क्वायर x आया, इनटू में क्या आएगा, इनटू में आया बताओ मुझे, ये हो जाएगा 3, मुझे बताओ ये x स्क्वायर में क्या आता है, 2x आता है, तो इसका भी क्या आएगा 2 sin x आया। बाद में d / dx अब क्या निकालेंगे, sin x निकालेंगे, सेम यहां पे वैसे ही करेंगे, पहले 2 को सामने लाएंगे तो क्या आएगा, सामने आएगा 2 into 2 क्या हो जाएगा cos x, अब फिर d / dx अब क्या लिखेंगे cos x लिखा मैंने, अब इसी का बस फाइनल आंसर है, तो आपका काम हो गया। सो यहां पे लिखेंगे dy / dx क्या आएगा बताओ मुझे, dy / dx ये तो जैसे के वैसे रहने वाला है, e का पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x इनटू, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, 3 टू जा 6 तो क्या हो जाएगा 6, मुझे एक चीज बताओ ये क्या होगा, sin का आएगा cos x तो क्या आएगा 6 sin x cos x, या भी और भी तरीका कर सकते हैं, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 2 sin x दिख रहा है इसका डेरिवेटिव आएगा तो cos x आएगा, चलो लिख लिया मैंने 3 लिखा 2 sin x, इसका डिफरेंशिएट करने पे क्या आया cos x आया माइनस, इस 2 को जैसे के वैसे रखना, 2 लिखा मैंने, अब बताओ इसके क्या आएगा, ये 2 cos x दिख रहा है 2 cos x, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा माइनस sin x आया क्या। अब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, dy / dx equals to e का पावर 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x आया। अब इसके बाद बताओ मुझे इसका, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 3 sin 2x, ये माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 sin 2x आया कि नहीं, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dy / dx इज इक्वल्स टू, ये बन गया e का पावर क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, और इनटू में ये क्या 3 sin 2x 2 sin x क्या आएगा 5 sin 2x। अब मैं यहां पे क्यों ऐड कर पाया, क्योंकि ये दोनों सेम है तो मैंने इसको कॉमन निकाल दिया, और 3 और 2 क्या करे 5, तो क्या होगा 5 sin 2x, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो आप इसको नोट करो अपने नोटबुक में।
चलो आज का ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखो, आपको ऑलरेडी आ जाएगा मेरे यहां से, ठीक है। बताओ मुझे भाई, देखिए डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या है, dy / dx इक्वल्स टू dy dx अब क्या आएगा, cos स्क्वायर ब्रैकेट में log ऑफ क्या हो गया x स्क्वायर प्लस a। मुझे बताओ एक चीज, ये cos स्क्वायर समथिंग है तो ये x स्क्वायर समथिंग, तो x का क्या क्या आता है 2x आएगा, तो इसका भी क्या आएगा 2 cos ब्रैकेट में log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 आ गया। ये 2x हो गया, फिर x की जगह पे जो भी टर्म रहेगा उसको डिफरेंशिएट करो, सो d / dx अब क्या होगा, देखो हमने क्या पकड़ा पहले, सॉरी रॉन्ग हो जाएगा, हमने x स्क्वायर को किया पहले, किसके किया हमने x स्क्वायर को, x स्क्वायर का क्या होगा, मुझे x स्क्वायर का हुआ 2x, फिर आप ये पूरे टर्म का करोगे तो d / dx अब क्या हो जाएगा cos log x स्क्वायर प्लस 7 आया। अब क्या करोगे आप इसके बाद, इसके बाद करोगे 2 cos ब्रैकेट में log x स्क्वायर प्लस 7 आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से, ये कंप्लीट हो गया, ये cos का क्या होता है माइनस साइन, माइनस साइन फिर क्या आएगा log ऑफ, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 लिया मैं। अब देखो ये cos x तो है नहीं, cos x की जगह पे ये वाला टर्म है, तो हम उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो d / dx अब क्या होगा log x स्क्वायर प्लस 7 आया। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम सेम टर्म है कि नहीं, देखो ध्यान से 2 sin x cos x दोनों सेम है, तो क्या आएगा माइनस sin 2 और ये क्या हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 यानी sin 2 थीटा का फार्मूला लगा दिया। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये फार्मूला है ना। तो देखो यहां पे क्या दिया है 2 ये वाला पोर्शन sin और ये वाला पोर्शन cos, 2 sin थीटा cos थीटा तो क्या बन गया sin 2 थीटा बना गया। अब इसके बाद क्या होगा बताओ मुझे, फिर मैंने क्या किया, इधर वाला टर्म बचा हुआ है, अब क्या करेंगे इसका क्या आएगा 1 upon x square plus 7 और फिर d by dx सब क्या आएगा x square plus 7। तो मुझे बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर, सो इसका फाइनल आंसर रहेगा dy by dx equals to minus 2 sin sorry 2 log x square plus क्या होगा 7। अब इसका क्या है 2x आएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 2x, नीचे में क्या आएगा x square plus 7 क्योंकि 7 का तो 0 होता है ना, तो बच गया क्या सी बी वाला टर्म आ गया, तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। चलो नोट कर लो अच्छे से, चलो ये क्वेश्चन आज का 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या करेंगे हम लोग, y equals to tan cos sin x कैसे करेंगे हम लोग, tan ये पूरा मिलाकर x समझेंगे तो tan x का क्या होता है पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy / dx क्या आएगा, सोचो d / dx का पूरा क्वेश्चन tan cos sin x आ गया। अब मुझे बताओ tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा sec स्क्वायर और x की जगह पे ये दिया तो क्या लिखेंगे cos sin x आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे tan की जगह पे x की जगह ये दिया था, हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा d / dx सब क्या होगा अपना x ये रहेगा तो क्या बचा cos sin x आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे sec स्क्वायर cos sin x, मुझे बताओ इसका क्या आएगा cos, हम इसको x पकड़ेंगे तो क्या है cos x का क्या आएगा minus sin of sin x आएगा। मुझे बताओ हमने cos x पकड़ा था यानी ये वाला टर्म तो x था ना, तो क्या लिखेंगे d by dx of क्या होगा sin x d by dx of sin x, तो क्या आएगा ये sec square cos sin x into ये minus sin इसको ले तो क्या आएगा सामने sin of sin x into क्या हो जाएगा cos x and this will be your final answer। तो क्या लिखेंगे आप मुझे क्या लिखेंगे आंसर माइनस sec स्क्वायर cos ऑफ log ऑफ cos ऑफ sin x इनटू sin ऑफ sin x इनटू
cos x, ध्यान रहेगा। चलो लिखो इसको। चलो आज का सेवंथ नंबर का क्वेश्चन ये बता रहा हूं। तो आज का सेवंथ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ मुझे। हमने की है मेरा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आएगा, dy / dx इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ sec tan x टू द पावर 4 + 4 आया। अब हम क्या करेंगे बताओ, sec x का क्या होता है, sec x का क्या होता है, sec x into tan x। तो पहले मैंने क्या लिखना है, sec tan x का पावर 4 + 4 लिखा मैंने, फिर क्या लिखेंगे, tan tan ऑफ tan x का पावर 4 + 4 यानी क्या किया मैंने बताओ मुझे, मैंने लिखा sec x का sec x into tan x, यही होता है ना फॉर्मूला, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। अब x की जगह पे ये सारा चीजें हैं तो मैं क्या लिखूंगा, d / dx ऑफ क्या लिखूंगा, tan x टू द पावर 4 + 4 आया। अब क्या होगा सोचो, ये sec क्या हो जाएगा, tan x का पावर 4 + 4 into tan ऑफ tan tan ऑफ tan x का पावर 4 + 4 इतने को तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस tan का क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इस tan का sec स्क्वायर x का पावर 4 + 4 ये लिखा मैंने, लेकिन वहां पर tan x तो था नहीं, x की जगह पे क्या था, ये टर्म था, तो d / dx ऑफ क्या लिखूंगा, x का पावर 4 + 4। अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में यहां से यहां तक सेम लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद सिर्फ ये टर्म को सॉल्व करूंगा, तो इसका क्या आएगा, 4x का पावर 4 - 1 + 0 ये लिखूंगा। फिर आंसर में क्या करूंगा, आंसर में पूरा सेम लिखूंगा जैसे कि वैसे, और यहां पे क्या लिखूंगा, इनटू 4x का क्यूब, समय बचेगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, तुम लोग भी कर देना, तुम्हारा और ज्यादा समय बचेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे कॉपी का क्या होगा वो मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो लिखो इसको। चलो आज का आखिरी नंबर का प्रॉब्लम देखो, ठीक है। हम देखेंगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ई दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ई पकड़ेंगे अपन, कुछ भी नहीं तो ई पकड़ेंगे ना, तो यहाँ पे भी ई दिया है और यहाँ पे भी ई दिया है, इस मतलब ये और ये पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वाई इक्वल्स टू बचेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आने वाला है आपका, आएगा dy / dx इक्वल्स टू d / dx ऑफ क्या आएगा, ये पूरा टर्म, तो पूरे टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे log x उसका होल स्क्वायर माइनस log x का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये क्या बन जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन इसको भी दूंगा, डिफरेंशिएशन इसको भी दूंगा, सो d / dx ऑफ क्या हो जाएगा, ये आएगा log x का होल स्क्वायर माइनस d / dx ऑफ क्या आएगा, log x स्क्वायर ये आएगा। अरे हाँ है ना, अब हम क्या करेंगे इसको, आप इस x स्क्वायर को ये 2 इधर लिख सकते थे, तो ये हो जाता आपका इस टाइप का, फिर यहां पे करते समय 2 और यहां पे क्या होता है x, लाइक दैट, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या होता है 2x, तो क्या आएगा 2 log x, और d / dx ऑफ क्या आएगा log x, क्यों लिखा मैंने x को लिखा x की जगह log x था, इससे मैंने कर लिया, और इसका 2 into log x का क्या आता है 1 / x, तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, अगला बताओ मुझे, dy / dx इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया, ये 2 log x आया, 2 log x into ये log x का क्या होगा 1 / x, तो आ गया ये 1 / x माइनस क्या आएगा माइनस 2 upon x, देखो यहाँ पे 2 1 upon x है, 2 upon x आया कि नहीं, तो दोनों जगह कॉमन है, तो क्या बचेगा dy / dx, क्या कॉमन निकाला 2 upon x कॉमन निकाला, तो बचेगा क्या log x माइनस 1, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला कर पाओगे क्या हम लोग, पूरे आलसी हो एकदम तुम लोग, एक क्वेश्चन नहीं होता तुम लोगों से, क्या होगा बताओ, ये साइन इसको पूरे पे x पकड़ेंगे, तो साइन x क्या कहता है cos x पूरा लिख देंगे, फिर ये x की जगह पे था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो मैं कर देता हूं,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं जानता हूं आप लोगों को इसे डीवाई बाय डीएक्स इक्वल्स टू डी बाय डीएक्स और क्या आएगा साइन रूट में साइन फिर एक्स, ऐसे दिया हुआ है। बताओ मुझे साइन एक्स, इसको तो एक्स पकड़ेंगे ना, तो साइन एक्स क्या रहता है कॉस, और फिर क्या आएगा कॉस क्या होता है मुझे रूट में साइन ऑफ रूट एक्स। अब एक्स की जगह पे था सो डी बाय डी एक्स किसका लिखेंगे रूट में साइन ऑफ रूट एक्स लिखा हमने। अब बताओ ये क्या आएगा कॉस रूट में साइन ऑफ रूट एक्स, फिर इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो इसका 1 बाय 2 रूट में क्या आएगा साइन ऑफ रूट एक्स, लेकिन x की जगह पे ये वाला टर्म था सो डी बाय डी एक्स अब क्या होगा साइन रूट एक्स। अब बताओ क्या होगा ये हो जाएगा आपका कॉस, आया देखो ध्यान से, उसके बाद क्या है रूट में साइन ऑफ रूट एक्स, इसको नीचे लिखे तो क्या आएगा टू रूट में क्या आएगा साइन ऑफ रूट एक्स, काट मत देना ये वाला नहीं तो ये वाला सेम होगा काट दूंगे, ऐसा मत करना ये कॉस का एंगल है, कितना दिमाग मत लगाओ प्लीज ठीक है। स्वाति और साक्षी याद रखना तुम दोनों का दिमाग ज्यादा चलता है इसमें। अब इसका क्या आएगा बताओ साइन रूट एक्स का क्या आएगा कॉस रूट एक्स आया, और फिर इसका रूट एक्स का क्या आएगा डी बाय डी एक्स क्या आएगा रूट एक्स आया, फिर क्या आएगा बताओ मुझे क्या आएगा कॉस, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगी समझ जाएगा, अब तो आप लोग खुद भी कर सकते इसके आगे वाले स्टेप, ये सेम रहेगा ये भी सेम रहेगा रूट एक्स का क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, बस फाइनल मोस्ट आंसर लिख लोगे। चलो आज का 10वें नंबर का प्रॉब्लम देखो क्या कहते हैं 10वें नंबर का प्रॉब्लम, ये आप खुद से करना मैं नहीं कर दूंगा। लॉग ये पूरे को x पकड़ेंगे कि नहीं तो क्या हो जाएगा लॉग x का क्या होगा 1 बाय x, तो पहले 1 बाय पूरा टर्म आएगा फिर अब इसको डिफरेंशिएट करोगे d बाय dx ऑफ sec x, तो इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम किया था उसके जैसे करो ना कैसे करेंगे ठीक है, तो आप लोग लिखो और सॉल्व करो खुद से। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको पहले लिखेंगे y equals to log 2 log x upon क्या लिखेंगे log e, लिख दिया मैंने, अब log e कितना होता है 1 होता है तो क्या बच जाएगा y equals to क्या होगा log 2 log x और नीचे में क्या हो गया 1, तो इसको इग्नोर कर देंगे तो क्या बचेगा y equals to log 2 log x आ गया। अब लेकिन मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आएगा याद वाला पहले d by dx of y equals to d by dx of log of 2 log x यही है, तो मुझे बताओ log x का क्या होगा, इसको तो हम x पकड़ेंगे ना log x का क्या होगा log x होगा 1 upon 2 log x आया कि नहीं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे फिर लिखेंगे d by dx of क्या आएगा 2 log x करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 log x 2 common निकल जाएगा तो क्या बचेगा d by dx of क्या आएगा log x आ गया। अब बताओ मुझे ये 2 और 2 cancel out हुआ कितना हो जाएगा 1 upon log x into ये क्या आ रहा है ये क्या आएगा 1 upon x, तो आंसर क्या आएगा 1 upon x log x और वैल्यू किसकी आएगी डिवाइड बाय dx। चलो इसको नोट करो। चलो आज का 12वें नंबर का प्रॉब्लम देखो क्या दिया आज के 12वें नंबर का प्रॉब्लम, 12वें नंबर का प्रॉब्लम ये कहता है कि y equals to something देखो पूरे टर्म का स्क्वायर दिया है पूरे टर्म का स्क्वायर, तो पूरे टर्म का स्क्वायर दिया इसका मतलब क्या होगा x का स्क्वायर दिया हुआ है और x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो मैं क्या करूंगा पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा सो d by dx अब क्या हो जाएगा y equals to d by dx अब क्या आएगा log of log x सही बात है और उसका होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो गया तो x स्क्वायर क्या आएगा 2x, तो मैं क्या लिखूं 2 और ये पूरा टर्म क्या है x, सो log of log x आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ये ऑब्वियसली x तो था नहीं ये पूरा x था क्या नहीं, तो ये पूरे टर्म का क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे सो d by dx अब क्या आएगा
ये पूरा टर्म, तो पूरा टर्म क्या होगा, log ऑफ, सॉरी log ऑफ, log ऑफ log x आ गया। अब मुझे बताओ मैं इसको पकड़ूंगा log x पकड़ूंगा, x पकड़ूंगा log x, तो log x का क्या होता है 1 by x, तो ये क्या रहेगा 2 log log ऑफ log x, ध्यान रहेगा। और इसका क्या है log x का क्या हुआ 1 upon x, तो क्या है 1 upon log ऑफ log x, फिर ये x का डिफरेंशिएट करेंगे तो d by dx ऑफ क्या आएगा log ऑफ log x, आया कि नहीं। तो हम आगे क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम लिखेंगे dy by dx is equals to, ये तो जैसे के वैसे लिखेंगे, इसको नीचे लिख लो तो क्या आएगा 2 log ऑफ log ऑफ 2 log ऑफ log ऑफ log x ले लिया, और इसको नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा, नीचे लिखेंगे तो log ऑफ log x आ गया। अब उसके बाद देखो इसका क्या आएगा, ये log x है यानी इसको x पकड़ेंगे तो क्या आएगा 1 upon x, सो क्या बन गया 1 upon log x, फिर क्या करेंगे d by dx ऑफ क्या आएगा log x आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे dy by dx is equals to 2 ब्रैकेट में log ऑफ log ऑफ log x आया, नीचे भी क्या चल रहा है ये, अब इधर आ जाएगा क्या आएगा log of log x into log x into में log x का क्या होता है 1 by x, बस इस 1 by x को सामने ला लो आपका आंसर आ गया। so dy by dx is equals to भी क्या आएगा, थोड़ा सा मिक्स मत कर देना समझे क्या, इसको इधर लगे क्या है 2 upon 2 log of log of log x और अपॉन में क्या आएगा x log x log of log x and this will be your final answer। तो चलो नोट करो देखो क्या आ रहा है, चलो ये आज का 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले इसके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d by dx of क्या आएगा y equals to d by dx of क्या आएगा आपका आएगा sin square x square minus cos square x square, यही आ गया। अब हम क्या करेंगे देखो, हम ऐसा करके चलेंगे कि ये पकड़ेंगे x और ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे 2 sin x square, ये आएगा लेकिन x तो था नहीं, so d by dx of क्या हो जाएगा sin x square माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसको तो ये पकड़ेंगे x का x square, तो क्या हो जाएगा 2 cos x square और d by dx of क्या हो जाएगा cos x square आया। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, हम करेंगे 2 sin x square, मुझे बताओ sin x का क्या आता है cos x, तो क्या हो जाएगा cos x square और d by dx of क्या हो जाएगा x square, ये आएगा माइनस इसका क्या करेंगे 2 cos x square cos x square और इसका क्या हो जाएगा cos x का क्या होता है माइनस sin x square, फिर d by dx of क्या हो जाएगा x square आ गया। अब क्या होगा आगे सोचो, ये बन जाएगा देखो ये क्या बन जाएगा, क्या बन रही है ये बन गया sin 2 x square बन गया और इसका क्या आ रहा है 2x, ये माइनस माइनस प्लस और फिर ये बना देंगे फॉर्मूला क्या बनेगा, वो भी वही बनेगा, क्या बनेगा sin 2x square और फिर क्या बचेगा 2x बचा बचा के लिए, तो अब क्या कॉमन निकालोगे बताओ मुझे क्या आएगा, दोनों में 2x कॉमन है तो क्या हो जाएगा बोलो 2x, फिर क्या आएगा sin 2x square और यहां पे क्या है sin 2x square है कि नहीं, यही चीजें दो बार है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dy by dx इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर 2x जैसे के वैसा और ये दो बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x into दो बार sin 2x square, इसका मतलब क्या हो गया dy by dy इक्वल्स टू 4x sin 2x का होल स्क्वायर।
ठीक है, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो नोट करो, और आज हम इतने ही नहीं रुकेंगे, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग खुद से भी एक्सरसाइज को ट्राई करो, जितना जमता है बहुत अच्छी बात है, नहीं जमा तो उससे भी अच्छी बात है। मैं तो हूँ ना।